सो आज हम देखेंगे कि मोस्टली अभी अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है 31 मई को। तो जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स का ये सेकंड होगा, सम ऑफ द स्टूडेंट का थर्ड होगा, एंड आई होप कि किसका फोर्थ से ज़्यादा ना हो, बट स्टिल होगा तो अभी हम ट्राई करेंगे कि अभी तक प्रीलिम नहीं निकली है। अगर निकली भी है तभी भी एक इनसिक्योरिटी है कि 90 पे स्टक हो रहे हैं या मार्जिन्स पे लास्ट टाइम प्रीलिम्स निकला है, और इस साल अगर देखा जाए या प्रीवियस ईयर्स में 80-90 के आसपास स्कोर था। ठीक है, तो मोस्टली इनका जिनका 80-90 स्कोर है तो डेफिनेटली उनका स्टडी बहुत अच्छा होगा, बट देर आर सम ऑब्स्टेकल्स या देर आर सम क्वेश्चन यू आर नॉट गोइंग टू दैट डेप्थ मे बी, या यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दैट अप्रोच। ठीक है, सो ये अप्रोच हम मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। अगर प्रीलिम्स निकालना है तो एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर। तो आज के सेशन में हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो जैसे कि प्रीलिम्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वैसे तो मेंस में भी सम ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू में भी एक एनवायरमेंटल अप्रोच रखते हैं, और जहाँ पे इंटरव्यू में भी एक आपको सम ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा फर्स्ट ऑब्स्टेकल है या फर्स्ट चैलेंज है टू क्लियर द प्रीलिम्स। ठीक है, तो उसमें अगर आप ट्रेंड देखते हो तो देर आर 22, लाइक 15-16 अगर देखा जाए तो 15-16 क्वेश्चन है, 17 में देखा जाए तो 80-20 है, उसके बाद 18 में देखा जाए तो ऑलमोस्ट अराउंड 20, इस साल देखो 19 में अगर देखा जाए तो देयर विल बी द हाइएस्ट पार्ट विच केम फ्रॉम द एनवायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो ऑलमोस्ट 23-24 क्वेश्चंस वहाँ से हिट हुए थे जो कि डायरेक्ट भी बोल सकते हैं हम, इसमें भी हम सब पार्ट बाद में देखने वाले हैं, बट अगर आप एक थोड़ा सा पॉइंट देखते हो कि आपको दिख रहा है ये 23-24 क्वेश्चंस ये डायरेक्टली थे एनवायरनमेंट से, बट जैसे कि जनरल साइंस का एक पार्ट होता है बायोलॉजी, ठीक है, कि जहाँ पे आपको सम ऑफ द स्पीसीज पे क्वेश्चंस आते हैं, तो मोस्टली यूपीएससी ट्राई करती है कि बायोलॉजी पे जो स्पीसीज या फ्लोरा फौना पे क्वेश्चंस होते हैं तो मोस्टली जो करंट में डिस्कशन में है, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो डेफिनेटली आपको इसको करंट सही से करना पड़ेगा। और दूसरा होता है ज्योग्राफी, एक पार्ट होता है, तो ज्योग्राफी में आपको देखना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज़ सम नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो उनके लोकेशन फैक्टर पे आता है, तो ये ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगस्त मलाई है लोकेटेड कहाँ पे है। ठीक है, वही अगर आप लेते हो रिसेंटली डिस्कशन में काजीरंगा होगा या नमेरी नेशनल पार्क है, तो रिसेंटली यहाँ पे एक न्यूज़ में दिख रहा है, तो जनरली काजीरंगा सबको पता है बट नमेरी नहीं पता है। ठीक है, तो ये आसाम में लोकेटेड है, तो ये अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सिर्फ एनवायरनमेंट करके मतलब नहीं है, आपको ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी मैपिंग करते आना चाहिए। तो अगर ज्योग्राफी सम पार्ट ऑफ द जनरल साइंस एंड कोर टॉपिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट अगर ये कंबाइन करते हो तो दैट गोज टू द 30 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको डेफिनेटली आपको हर हर लास्ट 3 ईयर्स में तो भी दिखेगा आपको कि ये पैटर्न बन रहा है 30 क्वेश्चंस का, और दैट 30 क्वेश्चंस अगर आप राइट करते हो तो इट गोज़ टू 60 मार्क्स। ठीक है, तो जो कि 60 मार्क्स मतलब बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, बिकॉज यूपीएससी का प्रीलिम का मेरिट अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 105-110 मार्क्स तक आता है, एक टेंटेटिवली हम पकड़ते हैं। ठीक है, एक एवरेज आउट करते हैं कि 105 या 110 आप क्रॉस करते हो तो बेस्ट होगा, बिकॉज आपको एक एश्योरिटी होती है कि सेफ एरिया में मैं लैंड कर चुका हूँ और मेंस के लिए रिगरसली आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज एक डायलेमा होता है कि अभी होगी नहीं होगी, इसमें एक महीना निकल जाता है हमारा, तो इट्स गुड कि आप जितना बूस्ट करो प्रीलिम का स्कोर उतना आपका स्टडी एक साइकिल में मेंटेन होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 110 मार्क्स देखे जाए या ओवरऑल आपको क्वेश्चन कितने सही करना है तो 50-55। ठीक है, निगेटिव मार्किंग वगैरह पकड़ते हो तो इस गोज टू 65, 60-65 क्वेश्चन अगर आप राइट करते हो तो आपका प्रीलिम्स हो सकता है क्लियर, डेफिनेटली हो सकता है। और 60-65 भी अगर हम कंसिडर करते हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन अकेला कौन स्टैंड कर रहा है, दैट इज एनवायरमेंट। ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी गेम चेंजर। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, इज गोइंग टू बी एनवायरमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एनवायरमेंट में क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, या मोस्टली अगर देखा जाए यूपीएससी रिसेंट ईयर में रिसेंटली देखा जाए जैसे 19 का मैंने डिस्कस किया था आपसे, तो ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि एनवायरनमेंट सेक्शंस होते हैं, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट इज़ द इकोसिस्टम, सेकंड इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड इज़ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, दिखने को 3 है
बट क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं या फिर इसका डेप्थ उतना हो रहा है, ठीक है, तो देखते हैं फिर स्टूडेंट हाईली अगर देखा जाए कि बहुत सालों से पढ़ रहे हैं या जिनका स्टडी बहुत अच्छा हुआ है तो हार्डली दे आर एबल टू इट्स लाइक 50-60% ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या फिर उनका एक्यूरेसी 50-60% आ रहा है आउट ऑफ दिस 24, ठीक है, मतलब क्या हार्डली आपका 15 मैक्स मैं बोल रहा हूँ कि 13-15 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, बट वॉट अबाउट द नेक्स्ट 10 क्वेश्चन? तो स्टूडेंट्स मोस्टली खुद को एक ऑब्स्टेकल लगाते कि अरे हाँ मैंने ये मैगजीन पढ़ा था, रिनोन मैगजीन्स होते हैं आपको पता ही होगे, देर आर मल्टीपल मैगजीन्स लाइक विजन एक्सेट्रा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से बहुत कम थे, ठीक है, 18 भी देखते हो और 19 भी देखते हो, बट ये ब्लेम करने से सही है कि आप उसका एनालिसिस करना चाहिए था, ये क्वेश्चन फिर आए कहाँ से थे, ठीक है, तो वो हम आगे देखने वाले थे कहाँ से आए थे। यू कैन प्रेडिक्ट 99% ऑफ द पेपर, ठीक है, और एग्जैक्टली हम इसके बाद देखने वाले वो कैसे करते हैं प्रेडिक्ट, ठीक है, तो जनरली देखा जाए 24 क्वेश्चंस हमने देखा है, उसके बाद इफ़ यू इंक्लूड इंटरडिसिप्लिनरी मींस इंटर रिलेवेंट क्वेश्चन, एज आई सेड बिफोर कि बायोलॉजी के सम क्वेश्चंस हो गए एंड ज्योग्राफी के सम क्वेश्चंस हो गए, तो उसमें अराउंड कितने जाते हैं 30 क्वेश्चंस, ठीक है, 30 क्वेश्चंस दिख रहे हैं बट 60 मार्क्स दिमाग में रखना है, ऑलमोस्ट मोर देन 50% फॉर द मेरिट यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट है कि जैसे 20 क्वेश्चंस भी इसके प्रीवियस भी आप पैटर्न देखो, जैसे आपको लग सकता है कि इस साल आए थे बिफोर अगर देखा जाए तो इट्स ऑलवेज क्रॉसिंग 20 क्वेश्चंस, ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली ये 20 तो मेंटेन रखने वाला है ऑलवेज, अदर देन जो भी अदर जो भी सब्जेक्ट है तो उसके तो ज़्यादा ही बनने वाले यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज IFS है ना, एज यू नो कि फॉरेस्ट सर्विस होती है तो उसका भी प्रीलिम एंड हमारे IAS का भी प्रीलिम सेम होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट है, सो इन शॉर्ट UPSC प्रीलिम्स सक्सेसफुली अगर आपको क्लियर करना है तो यू कैनॉट इग्नोर एनवायरमेंट टॉपिक, ठीक है, सो देखते हैं, बट डर है सबको, इट इज़ अ नाइटमेयर फॉर एनवायरमेंट बिकॉज करंट रिलेटेड अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे लास्ट ईयर अगर हमने देखा है कि आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस वी कैन से 14 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर्स, और यही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कि जैसे स्टैटिक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, अगर ऐसे बोल नहीं सकते हम कि देर इज़ नो मटेरियल टू कवर द स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक पार्ट मीन्स कि जहाँ पे बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट चेंज के जो स्टैटिक पार्ट्स है, ठीक है, तो अगर वो मार्केट में बहुत सही से अवेलेबल है, देर आर मल्टीपल बुक्स कि जहाँ पे आपको कवर किया जा सकता है वहाँ से पार्ट, बट ये 14 क्वेश्चन हर साल चेंज होने वाले हैं, दैट इज़ नॉट स्टैटिक वन, दैट इज़ डायनामिक वन विच कम फ्रॉम द करंट अफेयर्स, ठीक है, तो देर आर मल्टीपल सोर्सेज फॉर द करंट अफेयर्स, यू कैन से द हिंदू इज देयर, यू कैन से द मैगजीन्स लाइव मिंट होते हैं या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड यू अगर होगा तो देर आर मल्टीपल सोर्सेज की जहाँ पे UPSC जा सकती है, ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे फिर ऑब्स्टेकल आ रहा है करंट अफेयर्स का, ठीक है, तो करंट अफेयर्स अगर देखा जाए उसको टैकल करना है तो बहुत पढ़ के मतलब नहीं है, एक राइट अप्रोच रख के उसको हम टैकल कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स के बाद अगर हम देखते हैं कि डेफिनेटली देखो वेरी वास्ट है, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वास्ट है, डेली आपको द हिंदू पढ़ना पड़ेगा, शायद आप एक दिन मिस करते हो तो कोई नेशनल पार्क मिस हो जाएगा और वही एग्जाम में आएगा, ठीक है, एक दिन मिस करते हो कहाँ पे आपको स्टबल बर्निंग का इश्यू चल रहा है, दिल्ली में लाइक पोजिशन है और वहाँ पे कोई अगर ऑर्गेनिज्म डेवलप किया जाता है या कोई बैक्टीरिया डेवलप किया जाता है टू डिकम्पोज दैट स्टबल एक्सेट्रा, तो अगर आप मिस करते हो वो ऑर्गेनिज्म का नाम या वॉट एवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इज है वो अगर आप मिस करते हो तो शायद वो UPSC क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 365 डेज आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है और ये शायद फ्रैंकली स्पीकिंग कोई करता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम आज मोस्ट ऑफ द हमारे सेशंस का फोकस वही होगा कि आपको कंप्रेहेंसिवली जितने भी 365 डेज अगर फ्रॉम जनरल UPSC आस्किंग फ्रॉम द जून टू मे, ये अगर हम पकड़ सकते हैं जून टू इट मैक्स लाइक फेब मार्च तक भी होते हैं मैक्सिमम इज 99%, बट एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो रिसेंट प्रीलिम्स के पहले ही आया, मतलब इस लाइक अप्रैल से आया या फर्स्ट वीक ऑफ द मे से आया, ठीक है, तो मोस्टली हमारा टारगेट वही होगा कि 365 डेज में हम कैसे कवर करेंगे वो आगे डिस्कस करते हैं, सो राइट अप्रोच डेफिनेटली होना चाहिए एंड सम ऑफ द एरियाज टू फोकस, एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इफ यू कैन से देयर वी हैव टू स्टडी द सम ऑफ द स्पीसीज और देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द एवरी नेशनल पार्क और सेंचुरीज और इज लाइक हॉटस्पॉट रीजन्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, सो यू कैनॉट स्टडी एवरी स्पीसीज बिकॉज देयर आर मोर देन 10,000 to 20,000 स्पीसीज,
सो अगर आप इतने पढ़ते गए, अगर फ्लोरा फौना के स्पीसीज आप 20,000 से ज़्यादा जो भी अवेलेबल है वो पढ़ते गए तो मतलब ही नहीं, इसलिए वो पूरा स्टडी आपका डाइवर्ट हो जाएगा और वहाँ से आउटकम ज़्यादा नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली उसके लिए क्या राइट अप्रोच रखना है, विच इज़ द वास्ट पार्ट ऑफ द UPSC, कि जहाँ पे हमको क्या अप्रोच रखना है एंड एरियाज टू फोकस कौन से करना है, वो हम ये सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि मोस्टली स्टैटिक पार्ट तो हम कवर करेगी या फिर आप बुक से भी कवर करते हो, तो ये रिविजन मॉड्यूल है हमारा, तो उसमें हम ये स्टैटिक पार्ट भी कवर कर लेंगे विद द वेरियस सिंप्लीफाइड PPTs। ठीक है, कि जहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड किया PPTs को या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वो वॉट आर द आउटकम्स बिहाइंड अर्थ समिट लाइक 92 था, तो वहाँ से फिर UNFCCC आता है, CBD आता है, एजेंडा 21 आता है, UNCCD आता है जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट एरियाज है अगर, उसके बाद एक कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है, तो ऐसे मल्टीपल सेशंस है, उनके भी सेशंस होते हैं। ठीक है, तो देर आर सेशन या कन्वेंशन या प्रोटोकॉल्स, तो हर एक का क्या प्रोटोकॉल है, हर एक का क्या टारगेट है, तो ये तो आपको बुक में मिल ही जाएगा, दैट इज़ नॉट इशू, बट ये एग्जाम में याद नहीं आता है बिकॉज दैट इज़ नॉट इन सिंप्लीफाइड या विजुअल फॉर्म, ठीक है, या पिक्टोरियल फॉर्म। तो मोस्टली हमारे ये सेशन में हम ये सब एरियाज को कंपेरिजन करके हाउ टू ईजीली मेमोराइज दिस एवरीथिंग जो स्टैटिक पार्ट में वो हम कवर करेंगे। मतलब स्टैटिक पार्ट को आपको एक श्योरिटी आ जाएगी कि इट्स लाइक 10-12 क्वेश्चन वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस प्रीलियम, सो ये 10-12 क्वेश्चन में से हमारे मैक्सिमाइज हिट हो, मतलब इट्स लाइक आई सेड कि 12-12 या 10-10 आउट ऑफ फिट होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ अ स्टैटिक पार्ट, ये चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कंसेप्ट तो भी क्लियर होने ही चाहिए आपको, मतलब इवन वी कैन से द करंट में तुम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं, बट यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो 10-12 क्वेश्चन वहाँ पे हम कैरी करेंगे। उसके बाद जैसे हमने कहा कि 24 क्वेश्चन में से देर इज़ अ मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक क्वेश्चन, डायनेमिक मीन्स करंट रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गए, तो उसके अगर देखा जाए तो 14 क्वेश्चन थे 19 के पेपर में और 10 क्वेश्चन थे देर आर फ्रॉम वेरियस सेगमेंट्स, अगर देखा जाए तो मोस्टली स्टैटिक पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो स्टैटिक 14 क्वेश्चन फ्रॉम द डायनेमिक पार्ट मीन्स करंट अफेयर्स पार्ट एंड 10 फ्रॉम स्टैटिक सेगमेंट। ठीक है, तो देखते हैं ये सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है हमारा। उसके बाद एग्जैक्टली हम इसमें फिर अभी एज आई सेड कि 40 क्वेश्चंस, मतलब इट्स लाइक 60-70% अगर जितने भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो 60-70% क्वेश्चन वो कहाँ से आ रहे हैं, डायनामिक पार्ट मतलब करंट अफेयर से आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसको टैकल कैसे करें, तो वही हम आने वाले सेशंस में देखने वाले। ये टोटल सेशन हमारा रिविजन मॉड्यूल है, तो आई होप कि आपने ये सेशन ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट आपने बिफोर थोड़ा तो भी बेसिक क्लियर किया होगा, तो तभी आप मतलब आपको बेनिफिट ज़्यादा होगे। ठीक है, तो जैसे ओवरऑल 6 सेशंस हमने रखे हैं, तो जहाँ पे फर्स्ट 3 डेज या फर्स्ट 3 सेशंस आर गोइंग टू बी कवर स्टैटिक पार्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। सो वी विल डिस्कस 17, 18 and 19 क्वेश्चन पेपर। सो 3 साल के भी अगर आप प्रिपेयर करते हो तो एक राइट अप्रोच आ जाता है, और ये हम फर्स्ट सेशन में ही कवर करेंगे बिकॉज एक लेक्चर का कंटिन्यूसली आपको माइंड में क्वेश्चंस रोटेट होने चाहिए कि इफ़ यू आर कवरिंग एनी पार्ट लाइक बायोडाइसिट पार्ट, तो वो अगर पढ़ रहे हैं तो बैक ऑफ माइंड में ऑलवेज होना चाहिए कि UPSC ने क्या पूछा है। ठीक है, तो इस लाइक एक पाथ पे होगा हमारा स्टडी, इसलिए हम फर्स्ट सेशन ही स्टार्ट करेंगे विद द एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड सम करंट अफेयर्स अप्रोच, बिकॉज करंट अफेयर्स उतना इंपॉर्टेंट है एज यू नो 17-18%। ठीक है, तो इसलिए हम करंट अफेयर्स के अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करेंगे। 19, even 17 and 18 इफ टाइम परमिट्स तो हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 2 जो होगा तो वो होगा थोड़ा सा आपका अगेन मोर स्टैटिक पार्ट, इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, बट देर आर सम क्वेश्चंस कि जहाँ पे हम डेफिनेशंस कवर नहीं कर पाते, जैसे इकोसिस्टम को सबको पता है इकोटोन होता है या आप देख सकते हो नीश होता है एक्सेट्रा, देर आर मल्टीपल डेफिनेशन, बट सम डेफिनेशन विच आर नॉट गिवन इन द शंकर आयस, सो ये कहाँ से कवर करें, क्लियर है। जैसे हम आगे आने वाले सोर्सेज देखने वाले, बट वो सोर्सेज अगर आप फॉलो करते हो तो यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ मार्क इन स्टैटिक पार्ट। ठीक है, देर आर सम क्वेश्चंस कि जो रीचेबल नहीं है, मतलब जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आता सीयर SER E। ठीक है, तो सीयर ये क्वेश्चन था, तो ये कैसे कवर करें, मतलब ये ना शंकर में दिया ना कभी दिया, शायद अपडेटेड इसमें अभी ऐड किया होगा बट ये पहले नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे जैसे लाइक यूट्रोफिकेशन है वो भी एक डिस्कस करता है, यूट्रोफिकेशन इज सिंपलर वन, बट वॉट इज द
इट इज़ फॉर हाईली न्यूट्रिएंट इन अगर आप लेक में वगैरह देखते हो तो हाई न्यूट्रिएंट कंडीशन को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, बट व्हाट अबाउट द लो न्यूट्रिएंट कंटेंट, ये वहाँ पे बुक्स में नहीं दिया। अगर आप ढंग से देख लो उसमें ओलिगोट्रॉफिक होता है, तो ऐसे जो लो न्यूट्रिएंट्स या सम ऑफ द डेफिनेशन जो दिए नहीं है आपके बुक्स में, स्टैटिक बुक्स में, तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, बायोडायवर्सिटी, अगेन यहाँ पे ऑल स्पीसीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके स्टैटिक पार्ट देखते हो तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि जनरली सब स्पीसीज मेंशन किए, ठीक है, अपडेटेड स्पीसीज नहीं, कि अभी रिसेंटली फॉर द 1920 अगर देखा जाए तो कौन से स्पीसीज इंपॉर्टेंट है ये लोकेट नहीं किया। आपको समझ जाएगा व्हाट स्पीसीज आर देयर एक्सेट्रा, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व होगा, कम्युनिटी रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है, इनका ओवरऑल डेफिनेशन समझ जाएंगे, बट अपडेशन नहीं मिलेगा। जैसे टाइगर रिजर्व अपडेट होता है, नेशनल पार्क से अपडेट होता है, तो व्हाट अबाउट द अपडेशन? और यूपीएससी ऑलवेज देखा है आपने कि अपडेशन पे फोकस किया है, ठीक है, उनको पता है स्टैटिक पार्ट से भी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट जहाँ पे नॉट रीचेबल है वहाँ पे वो रीच करती है पहले, ठीक है, तो वो हम फोकस करेंगे। थर्ड सेशन हमारा जाने वाला है क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स, लॉज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंट या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंट, तो इस पे सब पे हमारा फोकस होगा। तो मोस्टली यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि स्टैटिक पार्ट कवर कर ले या अंडरस्टैंड करें कि कौन सी कन्वेंशन क्या बोल रही है, कौन सा लॉज क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज कैन बी डिक्लेयर्ड एक्सेट्रा, दैट टॉपिक्स विल कवर इन थर्ड सेशन। और एक्चुअल हमारा बूस्टर होगा ये लास्ट थ्री सेशंस, ठीक है, ये तो सब करने वाले हैं। इसमें से मैं डेफिनेटली बोल सकते कि आउट ऑफ मार्क्स हम कैसे स्टार्टिंग में ले सकते हैं वहाँ पे हमारा फोकस होगा, और जो बुक में ज़्यादा कवर नहीं वो डेफिनेशंस, वो कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा हम यहाँ पे कवर कर लेंगे और एग्जाम को एनालाइज कर लेंगे। बट इन नेक्स्ट थ्री सेशंस ये अनएक्सपेक्टेबल कि आपको कहाँ पे भी कोई भी मैगजीन में कवर नहीं। अगर आप देखते हो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखा जाए अगर कि करंट के ऐसे कोई टॉपिक्स थे या करंट के ऐसे कोई क्वेश्चंस थे कि जहाँ पे आप जो मैगजीन्स पढ़ रहे हो, ठीक है, रिनोन मैगजीन, ठीक है, यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ठीक है, तो जो भी रिनोन मैगजीन आप पढ़ रहे हो, एक्स मैगजीन पढ़ रहे हो, ठीक है, जो सब ऑल ओवर इंडिया पढ़ा जा रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन मतलब मिस हुए थे। ऐसे भी क्वेश्चन कि जून का करंट है और दैट पार्ट वॉज इन डिस्कशन बट दैट इज़ नॉट कवर्ड इन योर मैगजीन, ठीक है, सो इसलिए ये क्वेश्चन भी मिस हुआ और पढ़ने भी नहीं आया। तो ये क्या है, मतलब फिर ऐसे एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन निकलेंगे कि जो मैगजीन में कवर्ड नहीं है बट स्टिल यूपीएससी वहाँ पे पहुँच रहे, समझ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, तो इनको कैसे कवर करें? बट देखो ऑलवेज यूपीएससी का रेफरेंस कौन रहा है, यूपीएससी का रेफरेंस क्या है, ऑब्वियसली नॉट मैगजीन्स विच आर इन ट्रेंड, ठीक है, तो ये यूपीएससी कभी रेफर करेगी नहीं। डेफिनेटली यूपीएससी क्या रेफर करने वाली है, द हिंदू, ऑलवेज आइडियल उनका क्या है, द हिंदू है, तो मोस्टली हम इसलिए हम इस पर टारगेट किया है कि आपको द हिंदू पढ़ना है। और द हिंदू क्यों इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन पेपर में क्या ऐसा हुआ कि हम मतलब स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है कि द हिंदू कंप्रेहेंसिव कवरेज ऑफ एवरी बिट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ऐसे क्यों मेंशन किया हम आगे देखते हैं विद द एविडेंस, आपको मैं दिखाता हूँ कि 19 में क्या इंपॉर्टेंस था, ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा हमारा कि जून जुलाई अगस्त, जनरली जून से पूछते थे, हम जून से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जून जुलाई अगस्त का एनवायरनमेंट का द हिंदू के जो भी न्यूज़ है उसका कवरेज होगा नेक्स्ट सेशन में, सेम सितंबर अक्टूबर नवंबर, एंड लास्ट थर्ड सेशन विल बी द दिसंबर जनवरी एंड फेब, ठीक है, तो ऐसे एंटायरली हम द हिंदू या ओवरऑल करंट रिलेटेड टू अबाउट 3 टॉपिक्स लाइक इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसका तीनों का भी हम करंट रिलेटेड एंटायरली यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद बट कैसे कवर करेंगे वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो हाईली यूजफुल अगर होने वाला है आपके पास, बिकॉज एज आई सेड कि आप स्टैटिक कर लोगे, सब कर लोगे, बट करंट अफेयर्स इज मोस्ट चैलेंजिंग फॉर द एनवायरमेंट टॉपिक, ठीक है, तो एग्जैक्टली हम यही करने वाले, हाईली यूजफुल होगा आपके लिए, और मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस हमने यहाँ पे यूज़ किए, ठीक है, टू क्रैक द एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, लाइक देर आर डिफरेंट रिलेटेड क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो इट विल श्योरली बूस्ट यूर मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्वियसली विजन विदाउट अ स्ट्रैटर्जी इज जस्ट अ इल्यूजन, ठीक है, तो इसलिए स्ट्रैटर्जी रखते हैं, और वी कैन से अ प्रिपरेशन विदाउट एनवायरमेंट इज नॉर्मली अ इल्यूजन टू क्लियर द
यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये याद रखना कि आपको लग रहा है कि एनवायरनमेंट इजी लोगे आप, तो देखना ये आपको रिजल्ट देगा निगेटिव, ठीक है। 31 मई को ही आपका आंसर क्या आ जाएगा, तभी आपको समझ आएगा कि बस हो गया, वापस अगले साल देना है, तो ठीक है। तो ये ना हो इसलिए थोड़ा सीरियसली लेना आपको, ठीक है। तो देखते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेफरिंग सम न्यू रेफरेंस बुक, इट्स लाइक देर इज द स्टैटिक पार्ट एंड अनदर इज द डायनामिक पार्ट। तो मोस्टली आप एनसीईआरटीज पढ़ते हो, है ना, तो वो एनसीईआरटीज में आपका एनवायरनमेंट कवर हो जाता है। सेकंड होता है कि आप शंकर एज अ ब्रीफ आप पढ़ रहे हो वहाँ पे, आईसीएससी का 9th एंड 10th का आप एनवायरनमेंट के लिए, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पार्ट आपका कवर हो जाएगा। डायनामिक पार्ट भी आपका द हिंदू से कवर होगा और सम ऑफ द इंटरनेट का भी आप यूज़ करते हो वैसे, वहाँ से PIB इंडिया एयरबुक एक्सेट्रा आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से हो जाएगा, और विजन और इनसाइट मैगजीन्स भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मोस्टली इसमें से सबसे हाई प्रायोरिटी पे होने वाला है आपका अगर देखा जाए तो द हिंदू, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले, बाकी तो पता नहीं है बट डेफिनेट क्वेश्चन कहाँ से, तो द हिंदू से आने वाले, और वहाँ से आपके मैक्सिमाइज क्वेश्चन कवर होने वाले, ठीक है। तो देखते हैं, द हिंदू ऑलवेज अगर देखा जाए हैज़ नेवर फेड टू बी द सोर्स फॉर द UPSC, मतलब देखो बाकी सब वेरिएट करेंगे, इससे क्वेश्चन आया अगर फॉर एग्जाम्पल आप दो कोई मैगजीन लेते हो तो शायद वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं करती UPSC, कभी द हिंदू में नहीं था डिस्कशन में एंड स्टिल दे आस दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं होने वाला है, तो ऑलवेज उनका बेस कौन है, द हिंदू है, ठीक है। तो देखते हम कि 19 का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हो तो देर आर द 14 क्वेश्चन डायरेक्टली केम फ्रॉम द हिंदू, ठीक है। तो विद द एविडेंस हम देख सकते हैं कि जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था कि ये ब्लू फिन मैशर है, इरावडी डॉल्फिन, ऐसे कुछ वाइल्ड लाइफ आपको दिख ही जाएगा पेपर, आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, तो आप जस्ट लुकआउट करो एंड फाइंड आउट करो कि ये क्वेश्चन नंबर्स, ठीक है। तो रस्टी स्पॉटेड कैट एक्सेट्रा, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन था। हम आज बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्टेंट हम एवरी क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जस्ट आपको एक फ्लैश करता हूँ क्वेश्चन कि कैसे कर रही है, मतलब मोस्टली व्हाट इज द सोर्स फॉर द UPSC टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो एवरी स्पीसीज आप पढ़ने गए तो कभी UPSC नहीं होने वाली है, तो पढ़ना क्या है, यही करना है हमको। तो रस्टी स्पॉटेड कैट वॉज इन द न्यूज़, एक्सैक्टली द हिंदू का ये न्यूज़ था August 3 से, ठीक है, 2018, बिकॉज 19 में हमारा पेपर हुआ था 2 जून 2019 को, तो जनरली उन्होंने अगस्त का एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा है, August 3 को था कि रोड रिलेटेड या एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ डेथ होती है, ठीक है, देर आर मल्टीपल स्पीसीज की, तो रस्टी स्पॉटेड कैट्स की डेथ हो रही थी या इंक्रीज हो रही थी उनकी डेथ बिकॉज ऑफ द मेनी रीजंस, तो एग्जैक्टली उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया था और यहाँ पे यही आगे मेंशन भी किया था कि इट्स लाइक रस्टी स्पॉटेड कैट कहाँ पे होते हैं, ईस्टर्न घाट पे, ठीक है। तो यही आर्टिकल का एक्सटेंडेड पार्ट है वो, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर देखते हो सेम आर्टिकल August 8 और ये क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, और सेम अगर देखा जाए ब्लू फिन मैशर के बारे में भी उन्होंने एक्सटेंडेड कि ईस्टर्न घाट पे क्या मिलता है एंड वेस्टर्न घाट पे क्या मिलता है, सेम ये न्यूज़ में नीचे कवर था वो, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आपका हिट हो रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। सेम अगर आप देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि जैसे माइक्रोबिट्स, अबाउट द माइक्रोबिट्स, अब ये जनरली पढ़ने के बाद तो समझ नहीं रहा है और ना कि आप जाके देख लो, कोई भी आपको शंकर आए स्टैटिक पार्ट होगा या कहां से भी मैगजीन से ये कवर नहीं हो रहा था, बट UPSC का ऑलवेज रेफरेंस है द हिंदू, ठीक है। तो जैसे द हिंदू का अगर आप देखते हो तो सेम न्यूज़ आया था, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है माइक्रोप्लास्टिक, मतलब वही माइक्रोबेट्स का पार्ट है और उसकी वजह से मरीन पोल्यूशन कैसे हो रहा था, तो ये एक्सटेंड किया था, बाद में US का भी उन्होंने केस स्टडी दिया था वहाँ पे, ठीक है। तो ये माइक्रोबेट्स पे एक सेकंड क्वेश्चन अब हमने देखा है कि ऑलमोस्ट बन रहा था, उसके बाद हिमालयन नेटल था एक, उसके रिलेटेड था, सेम क्वेश्चन अगेन द हिंदू से आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने दिया था कि न्यू गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया था, सेम आपको दिख रहा है। थर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे अगेन हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट, सॉरी द क्वेश्चन वॉज दिस, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग किसके किसके लिए होता है, अब ये साइंस एंड टेक भी बताना रह गया मुझे कि साइंस एंड टेक भी होगा, क्लियर है, जैसे स्टबल बर्निंग हो रहा है, ठीक है, ये इशू न्यूज़ में है, ये एनवायरनमेंट का इशू है, क्लियर है, बट इसको आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, देर आर मल्टीपल सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सैटेलाइट्स को भी पढ़ना पड़ेगा, रिमोट सेंसिंग भी पढ़ना पड़ेगा आपको, मतलब आपको एनवायरनमेंट एक क्ल्यू दे रहा है कि साइंस एंड टेक पे भी हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यही था न्यूज़ में अगेन कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी फॉर मॉनिटरिंग फॉरेस्ट कवर ऑल्सो, अगेन फॉरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर पूछ रहे थे तो एनवायरनमेंट में रिलेटेड आपको ये भी देखना था फिर एग्जैक्टली और क्या ट्रैक किया जाता है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग में, तो अपन ये भी न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये एक देखते हैं, उसके बाद अगर आप देखते हो मीथेन हाइड्रेट, अगेन मोस्टली
नॉट कवर्ड इन मेनी बुक्स. अगर देखा जाए मीथेन हाइड्रेट अगेन न्यू कंसेप्ट है, ठीक है. तो सेम IIT मद्रास ने कुछ डेवलप किए थे तो गैस हाइड्रेट रिलेटेड, तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन था जनवरी 8 अगर देखा जाए वहाँ से ये पार्ट था और मीथेन हाइड्रेट रिलेटेड ये न्यूज़ आई थी, ठीक है. तो सेम ये न्यूज़ से उन्होंने ये पार्ट कवर किया था वहाँ पे, ठीक है. सो वी आर नॉट एबल टू राइट नाउ, ये हम सब सेशन में बाद में कवर करेंगे. जस्ट आई एम गोइंग टू गिव द एविडेंस दैट UPSC रेफरिंग, ठीक है. तो मोस्टली ये द हिंदू कैसे रेफर कर रहे हैं ये देख रहे हैं हम, ठीक है. उसके बाद अगर देखा जाए तो मोस्टली अगर आप देखते हो ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप कि जैसे स्टबल बर्निंग लास्ट ईयर तो इतना कुछ बड़ा इशू नहीं था, ठीक है. या यहाँ पे दिया है कि क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू, दैट इज नथिंग बट स्टबल बर्निंग, ठीक है. तो लास्ट टाइम तो भी इतना इशू नहीं था, बट दिस ईयर स्टबल बर्निंग से हाईएस्ट हमको कुछ इमिशन दिख रहा है. जैसे कि आउट ऑफ 20 ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी पोल्यूटेड सिटीज़ है तो उसमें से 15 हमारे इंडिया में आते, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग SO2 इमिशन, सल्फर ऑक्साइड इमिशन इस साल तो हाईएस्ट हम लीड कर रहे हैं वहाँ पे. तो इसलिए वॉट एवर द थिंग, मतलब अगर देखा जाए अगेन करंट रेफर किया और कौन से यहाँ पे इमिशंस होते हैं इन स्टबल बर्निंग और बायोमास बर्निंग, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आया था. देखो क्रॉप बर्निंग एग्जैक्टली, ठीक है. तो मार्च 4 से आ रहा है, वही पैटर्न है मार्च 4 से. तो रिस रेस्पिरेटरी इलनेस थ्रेशोल्ड सेव्स इफ री स्टडी एक्सेट्री, ठीक है. तो देर आर डिफरेंट स्टडी होते हैं और एग्जैक्टली इसके नीचे ही दिया था कि कौन से बायोमास बर्निंग से या ओवरऑल क्रॉप बर्निंग से कौन से पोल्यूटेंट्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी वहाँ पे कवर हो गया था. मतलब देखो आप अगर देखते हो मार्च का था ये, मार्च 4 से आया था, ठीक है. तो जनरली देखो मार्च 4 19 मतलब वहाँ तक गए वो, मार्च तक के पूछ रहे हैं. मतलब आपको समझ रहा होगा आपकी जून में एग्जाम है तो स्टिल मार्च तक एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है. उसके बाद अगर आप देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर, ठीक है. तो यहाँ पे ओवरऑल अगेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पे फोकस किया है, ठीक है. इसका इमिशन कैसे N2O जैसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड होगा या उसका इमिशन. अभी UPSC क्यों फोकस करे, देर आर मल्टीपल पोल्यूटेंट्स. अगर हर पोल्यूटेंट पढ़ने गए तो बहुत टाइम निकल जाएगा, बट कौन से पोल्यूटेंट फोकस करना है. जैसे कि देखो नाइट्रस ऑक्साइड पे क्वेश्चन था तो मोस्टली अमोनिया भी लिया, अगेन नाइट्रोजन कंपाउंड्स पे फोकस किया UPSC ने. व्हाई, बिकॉज अगेन नाइट्रोजन इमिशन गोइंग अप. तो इंडिया में नाइट्रोजन इमिशन लास्ट ईयर मतलब 19 के ईयर्स में, देखो June 5th से क्वेश्चन ही है, तो 19 में क्या हो रहा था कि मोस्टली नाइट्रोजन इमिशन गोइंग अप, तो अगेन इन न्यूज़. तो फिर UPSC बराबर वहाँ पे हिट करते हैं, ठीक है. तो सेम इस साल क्या है, इस साल सल्फर ऑक्साइड का इमिशन हाईली इंक्रीज हुआ एंड इंडिया इज द टॉप इन द वर्ल्ड फॉर द इमिशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड, ठीक है. इवन स्टबल बर्निंग दिल्ली से भी इश्यूज हो रहे हैं. तो अगेन आई थिंक कि इस पर भी क्वेश्चन, मतलब सेम पैटर्न अगर आप UPSC का लेते हो तो सल्फर ऑक्साइड पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. तो ये एक पैटर्न होगा नाइट्रोजन रिलेटेड, ठीक है. तो सेम इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कितना परसेंट इमिशन होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. तो वो भी क्वेश्चन इन प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर बन सकते हैं, मतलब आने वाले अपकमिंग ईयर में बन सकते हैं. अगेन देर इज अनादर क्वेश्चन, ठीक है, विच इज कार्बो फ्यूरॉन मिथिल पायरेथेन 4-8 ट्राइजॉप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाम से तो कुछ समझ नहीं रहा है बिकॉज ये नॉर्मली देखे जाए तो पेस्टिसाइड्स है, ठीक है. तो अनलेस एंड अंटिल आप पढ़ते हो तब तक नहीं होता है. अगेन इन न्यूज़ September 22, ठीक है. ऑर्गेनोफेरस पेस्टिसाइड डिटेक्शन गेट सिंपलर, तो यही इसमें एक्सटेंडेड अगेन आप थोड़ा सा पढ़ लेते हो ये न्यूज़, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, कौन से पोल्यूटेंट इमिट्स होते हैं एंड एक्सेट्रा. लाइक सेम लाइक ये एक्सटेंडेड उन्होंने किया था कि पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर हैज सम एडवर्स इफेक्ट या फिर हैज सम पोल्यूटेंट इमिटेंट पोल्यूटेंट्स, ठीक है. तो ऐसे पोल्यूटेंट्स यहाँ पे इमिट हो रहे हैं. तो सेम पैटर्न में अगर आपको देखा जाए तो ऑलमोस्ट वी डिस्कस 10 out of almost 10 क्वेश्चन. अब ज्योग्राफी देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि ज्योग्राफी कैसे मैटर कर सकता है यहाँ पे, ठीक है. या ज्योग्राफी से भी कैसे क्वेश्चन आता है, अलीपुर ईसापुर कांसाबाती ऑलमोस्ट पढ़ने के बाद तो समझना नहीं है क्या, ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्मॉल रिजर्वर्स, ठीक है. जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि देर आर सम लार्जर डैम्स लाइक भाखरा नंगल है, हीराकूड है, ठीक है, रिहान डैम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये तो हमको पता है, बट दीज आर वेरी स्मॉलर डैम्स, ठीक है, या स्मॉलर रिजर्वायर्स. अनलेस एंड अंटिल ये नाम से तो कुछ समझ रहा नहीं है. अगर आपको लगता है रिसेंटली यूरेनियम डिपॉजिट यस मिल सकते हैं अगर आपने पढ़ा नहीं है, रेन फॉरेस्ट है, अंडरग्राउंड केव सिस्टम है, बट इट इज़ अ वाटर रिजर्व एग्जैक्टली केम फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द हिंदू, ठीक है. जैसे शोलियार देखो, तमिलनाडु एग्रीज टू रिलीज वाटर फ्रॉम शोलियार एंड अलियार January 28, और ये वाटर कहाँ से रिलीज करते हैं, डेफिनेटली रिजर्वायर डैम से करते हैं. तो ये आंसर क्या होना चाहिए, सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन. बट देखो प्लेसेस बहुत छोटी है,
कोई भी आप कोई भी स्टेट से हो, जैसे कि आप महाराष्ट्र से लेते हो, तो आपको पता है कि छोटा सा छोटा गांव कहाँ पे, इट्स लाइक यू आर सेइंग इन एनी डिस्ट्रिक्ट अगर, तो वहाँ से आपको पता है, बट आपको ये नहीं पता है कि नागालैंड में कौन सा स्टेट है और उस सॉरी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंडर कोई छोटा डैम है, ठीक है। तो मतलब अनलेस एंड अनटिल आप पढ़ते हो, और पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, हमको यूपीएससी निकालना है, हमको थोड़ा ना पीएचडी करनी है उस पर, ठीक है। तो पढ़ना है, छोटे से छोटे डैम कौन से पढ़ने हैं कि विचार इन न्यूज़, बट अनलेस एंड अनटिल आप द हिंदू डेली देखते हो तब तक ये कवर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होगा, और इसके मतलब इसके इम्पैक्ट भी होते हैं एनवायरनमेंट पे। तो शायद ये एनवायरनमेंट से इसलिए पूछा है बिकॉज जितना ये वाटर रिलीज़ किया था, सडन वाटर रिलीज़ की वजह से यहाँ पे सम ऑफ द हैबिटेट को डिस्ट्रॉय हुआ था या फिर अफेक्ट हुआ था। तो इस साल हम देख सकते हैं कि जैसे रंगन थिट्टू कुछ बर्ड लाइफ सेंचुरी है, तो सेम वॉज अफेक्टेड आफ्टर द रिलीज ऑफ कावेरी रिलेटेड जो कृष्ण सागर डैम है, तो वहाँ से वाटर रिलीज करने के बाद बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था रंगन थिट्टू बर्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे उनके कुछ हैचिंग साइट है वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई थी। तो शायद देखो वही आप पैटर्न अगर रखते हो तो रंगन थिट्टू इज़ लाइक देर आर मल्टी मोर देन 500 बर्ड सेंचुरीज सॉरी ओवरऑल सेंचुरीज, ठीक है। तो अगर 500 प्लस सेंचुरीज है तो आप कौन से पढ़ते बैठोगे, बट वही है कि न्यूज़ में क्या है वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सेम अगर ये क्वेश्चन देखे जाए, ऑलमोस्ट देर आर मल्टीपल क्वेश्चन, तो सीएनजी पर भी देखा जाए, सीएनजी अगेन क्वेश्चन देखो क्यों आया था, बिकॉज सीएनजी रिलेटेड न्यूज़ में था, सीएनजी कैसे होगा क्या होगा, हाइड्रोजनेटेड सीएनजी है और लेस इमिटन करेगा एक्सेट्रा, ठीक है। तो नॉट एलिमिनेट्स अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम वर्ड्स होते, सम ऑफ द क्वेश्चन आर एक्सट्रीम्स, कि जैसे द मेन एडवांटेज ऑफ द सीएनजी इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देना, मतलब ये मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट होगी वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसको कितना रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बट एक्चुअली देयर इज नो एलिमिनेशन, वी कैन से इट इज़ द रिड्यूस ऑफ 70%, ठीक है। तो ये अब तक जब तक आप ये स्पेसिफाइड नहीं पढ़ते हो या समझ नहीं लेते हो तब तक होगा नहीं। आप जनरली पढ़ते टाइम क्या है कि स्टार्ट कर लिया पढ़ लिया, बस ये वर्ड्स पे आप फोकस नहीं, दैट आर द एक्सट्रीम वर्ड्स। सो ये अप्रोच भी हम ये सेशंस में कवर कर लेंगे कि एक्सट्रीम क्या है, कि जैसे इस साल हम बोल सकते हैं कि देर आर सम फायर क्रैकर्स, ग्रीन फायर क्रैकर्स डेवलप किए या उस रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है, स्वास्थ्य है, सफल स्टार है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बेरियम नाइट्रेट अगर देखा जाए तो वो एलिमिनेट कर रहे हैं, बाकी जितने भी रहेंगे तो उनका परसेंटेज रिड्यूस किया जाएगा, मतलब जितने भी पॉल्यूडेंट है उनका परसेंटेज रिड्यूस किया। तो शायद यूपीएससी वही कर सकती है वापस एक्सट्रीम वर्ड्स, ठीक है। तो प्लीज़ देखना है हमको ये कि सेम पैटर्न आप फॉलो करो, डू नॉट रेफर एनी मैगजीन, मोस्टली द हिंदू ही आपका प्रायोरिटी रखो, मैगजीन तो करो ही बट इट इज़ सप्लीमेंट्री नॉट प्रायोरिटी, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑलवेज आपको किसकी होनी चाहिए, द हिंदू, ठीक है। तो ये अगर पैटर्न आप देखते हो तो देर आर ऑलमोस्ट 13-14 क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने आपको दिखाया स्क्रीनशॉट के थ्रू कि कैसे उन्होंने पूछा था। तो वही हमारा सेशन होगा, कि जैसे मैंने कहा कि तीन सेशंस आपके पहले तीन सेशन हो गए तो वो स्टैटिक पार्ट हम कवर करेंगे, बट मोर फोकस होगा हमारा किस पे, कि जो पार्ट्स आपके बुक से शंकर आयस वगैरह वहाँ पे कवर नहीं है, सम डेफिनेशंस वो फोकस करेंगे, और उसके बाद हम मेजर पार्ट हमारा होगा कि एवरी बीट ऑफ या एवरी सिंगल डे भी, जैसे जून मंथ स्टार्ट होता है तो इवन हम वहाँ से भी स्टार्ट करेंगे कि 5 जून को क्या था और उसके अगर देखा जाए तो थीम क्या थी एक्सेट्रा, ठीक है। और उसी दिन इक्वेटर प्राइस दिया था June 5, सेम पैटर्न जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन का रेफरेंस लिया है, तो सेम June 5 को इक्वेटर प्राइज मिला था, तो वो न्यूज़ में था, उससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ है, ठीक है। तो वो एंटायरली हम कवर करेंगे विद दस मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, जैसे अगेन June 8, June 6-7 को कुछ ज़्यादा दिख रहा नहीं है, तो June 8 का हमने कवरेज लिया है, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म रिलेटेड आया था। देन नेक्स्ट June 9, 8 के बाद 9 आता है, तो June 9 का हमने गोल्डन लंगूर का न्यूज़ में था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल मुझे लगता है इस पे क्वेश्चन बन सकता है, कि जैसे एमजी नरेगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इन 2005 ऑलमोस्ट ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए या ह्यूमन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है उस पर फोकस कर रहे थे, बट इट द फर्स्ट टाइम दे आर फोकसिंग ऑन नॉन ह्यूमन बेनिफिशियरी एक्टिविटी, ठीक है। तो इसलिए मतलब इनका पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए अब एमजी नरेगा के एम्प्लॉयज यूज़ किए जाएंगे। तो देखो June 9 से आया तो वो हम फोकस करें, इट इज़ लाइक अलाइन, आपका एक अलाइन होगा कि ये मंथ में आए ये मंथ में आए, तो अलाइन आपको प्रॉपरली वहाँ पे कवरेज किया जाएगा, ठीक है। तो सेम टाइगर ट्रांसलोकेशन भी न्यूज़ में था, तो वो भी हम कवर करेंगे। तो उसके बाद सेम देखो अब June 15 है, महाराष्ट्र वाटर क्राइसिस है, ठीक है, तो एग्जैक्टली उसके रिलेटेड है। तो एंटायरली हम एवरी मंथ जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अप टू द फेब, ठीक है, तो एवरी बीट मतलब जहाँ से द हिंदू का एवरी न्यूज़, कि जैसे आज आए तो आज मिल ही जाएगा, कल नहीं आए समझो तो हम स्किप कर लेंगे और नेक्स्ट न्यूज़, तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक आई
prepared for all these months. So I get average 30 to 40 news from every month. ठीक है, आपको समझ रहा है कि 30 से 40 ऐसे टॉपिक्स बने हैं कि जहाँ पे एनवायरनमेंट पे फोकस किया, मतलब द हिंदू ने, तो 40 टॉपिक हर मंथ में आ रहे हैं देखो. ठीक है, तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक 9th मंथ. ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखो आप कितना कवर हो सकता है इसमें. तो ये सेशंस हमारे तीनों भी सेशंस में, लास्ट 3 सेशंस में हम एंटायरली वो टॉपिक द हिंदू का एवरी बिट कवर करेंगे. एंड डेफिनेटली आई नो कि यूपीएससी का रेफरेंस मैगजीन से भी ज़्यादा ये प्रायोरिटी. ठीक है, तो द हिंदू, तो ये हम सब कवर करेंगे और ओवरऑल एंटायर सेशन में ये आपका कवर हो जाएगा. ठीक है, तो डेफिनेटली सो वी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. एक्चुअल पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं. ओके, थैंक यू.